खबर कुरुक्षेत्र से। जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पावन जयंती पर गांव बेहोली से शुरू किया महासफाई अभियान। इस मौके पर सीओ श्री सतबीर कुंडू व बीडीपीओ साहब सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हमें अपने आसपास के क्षेत्र को साफ व स्वस्थ रहना चाहिए। चाहे हमारे गलियां हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या धर्मशाला हो, हमें स्वच्छता को अपनाना चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल, अन्य अध्यापक वृंद, प्रेस से आए हुए भाइयों और बहनों और इस गांव के सभी सम्मानित निवासीगण भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, कि आज से पूरे प्रदेश में महासफाई अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती 16 तारीख को है, उसको सतत करने के लिए, उसको एक श्रद्धांजलि पूर्वक मनाने के लिए इस पावन कार्य को आज आगाज किया जा रहा है। मैं पहले भी आपके गांव में आया था, कुछ समय पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव का भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, तो उसमें आकर भी मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ था और उस वक्त भी मैंने देखा था आपका ये स्कूल और पूरा गाँव ही बड़ा ही आदर्श और मॉडल है। मुझे बताया गया कि 10 साल पहले आपको भी राष्ट्रीय स्तर पर निर्मल गांव का पुरस्कार मिला था, तो मेरे को इसकी आज ही सूचना प्राप्त हुई, तो मैं आपको बधाई देता हूं और आने वाले समय में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सफाई अभियान को लगातार जारी रखें और जैसे कि सीओ साहब ने बताया, भूषण जी ने बताया, अपने घर के साथ साथ जो आपके सामुदायिक स्थान है, कम्युनिटी प्लेसेस हैं, चाहे वो गलियां हो, चौक हो। प्रदेश के अंदर महासफाई अभियान की शुरुआत की गई है, उसके तहत आज गांव बिहोली में मैंने भी यहां स्वच्छता कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूं और वैसे भी गांव में काफी सफाई है। उसके साथ साथ मुझे आश्वस्त किया गया है कि आने वाले दिनों में और भी सफाई को इसको प्रशस्त किया जाएगा और उसके साथ साथ आज मैंने डेवलपमेंट वर्क भी देखे हैं। यहाँ बीडी ऑफिस की नई बिल्डिंग बन रही है तो काम चल रहा है, तो शीघ्र ही इसको बताने के 6-7 महीने पूरा कर लिया जाएगा। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट।